हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। देखिए आप लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो मुझे भी खुशी होती है कि वीडियो बनाऊं आपके लिए, इतना कर दूं कि आप एग्जाम में जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन है कि आपको लगे हाँ सर ने ये चीज़ बताई थी और ये चीज़ सेम चीज़ एग्जाम में आ गई है। और मैं देखिए अलंकार, छंद और रस तीनों टॉपिक से मैं गारंटी लेता हूँ आपके एक क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। अगर जो आपने अभी तक अलंकार और रस का वीडियो नहीं देखा है तो जाइए मेरे पुराने वीडियोज में, आपको मिल जाएगा। अभी देखिए मैं छंद का बहुत सारा रिक्वेस्ट आता है कि सर छंद बताइए, तो अभी मैं छंद बताऊंगा। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए आपके सारे बताऊंगा, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस जो भी 20-25 क्वेश्चन में छंद से बताऊंगा सबको रट लीजिए, आप एग्जाम में करके आएंगे छंद से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ना ही अलंकार से छूटेगा, ना ही रस से छूटेगा। हिंदी भाषा का मुख्य तत्व का पहला चैप्टर भी मैंने बता दिया है, वर्णमाला के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। देखिए सारी चीज कवर होंगी, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए पहले भी मैंने सारी चीज देखिए चीजों तो मैंने पहले कंप्लीट कर दिया, हिंदी को पहले तो पढ़ा दिया था, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट चीजें मैं दे रहा हूं। अगर जो आपने अभी तक पुराना वीडियो नहीं देखा तो अब भी आप पढ़ के पास हो सकते हैं। तो चलिए छंद शुरू करते हैं और इसमें देखना आपको, आप देखिए कितना प्रश्न आपको आता है और इससे आपको पता चलेगा आपका लेवल कितना है प्रिपरेशन का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, तो देखिए शुरू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से बोल देता हूँ, वही चैनल सब्सक्राइब वाला, कि आप लोग अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और बार बार कहना पड़ता है, चलिए अच्छी बात है। तो मेरा काम है, प्रमोशन तो बनता है, थोड़ा सा चैनल पे नहीं करूँगा तो कहाँ करूँगा। और आप लोग इतना मतलब कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, रिस्पॉन्स दिया कीजिए। और चलिए पहला क्वेश्चन है आज के इस छंद का, छंद की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। देखिए छंद की उत्पत्ति जो हुई थी धातु से हुई थी, धातु ध्यान रखिएगा। उसके बाद धातु का अर्थ क्या है ये जान लीजिए, आह्लादित करना और खुश करना, धातु का जो अर्थ है आह्लादित करना, खुश करना। तो छंद की उत्पत्ति हुई थी धातु से हुई थी और धातु का अर्थ है आह्लादित करना, खुश करना। और इसमें देखिए छंद का शब्द जो है छद धातु से मिलकर बना था। और चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए छंद का दूसरा नाम पिंगल है, और पिंगल देखिए क्यों पड़ा, पिंगल एक ऋषि थे तो इन्हीं के नाम पे ये पिंगल पड़ा था, छंद का दूसरा नाम पिंगल है। अब देखिए छंद शास्त्र के पंडिता किसे कहा जाता है, पिंगल ऋषि को। तो यहाँ से कई क्वेश्चन क्लियर, छंद की उत्पत्ति धातु से हुई थी, धातु का अर्थ आह्लादित करना, खुश करना, छंद का दूसरा नाम पिंगल है, और पिंगल कौन थे, पिंगल एक ऋषि थे जो छंद शास्त्र के पंडिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए छंद में प्राय कितने चरण होते हैं, चार चरण होते हैं, ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऋग्वेद में मिलता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद देखिए छंद का हिंदी में दो पंक्तियों में लिखे जाने वाले छंद को क्या कहते हैं, देखिए हिंदी में जो दो पंक्तियों में लिखे जाते हैं वह हम उसे हम दोहा व सोरठा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो छह पंक्ति में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, देखिए जो छह पंक्ति में लिखे जाते हैं उसे हम कुंडली एवं छप्पा छंद कहते हैं, ठीक है। जो दो पंक्ति में लिखे जाते हैं उसे दोहा सोरठा, सॉरी जो दो पंक्ति में लिखे जाते हैं उसे दोहा सोरठा, और जो छह पंक्ति में लिखे जाते हैं उसे कुंडली व छप्पा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यह है दो पंक्ति वाला, ठीक है। अब देखिए जो चार चरण होते हैं उसमें देख लीजिए, जो जैसे चार चरण होगा एक दो तीन चार, ठीक है, एक दो तीन चार, इसमें देखिए पहला और तीसरा आपका सम चरण हो गया और दूसरा और चौथा विषम हो गया। तो चार चरण याद रखिएगा, जो विषम है वो सम होता है, जो सम है वो विषम होता है। तो ये चार चरण हो गए इसमें देखिए। इसके बाद छंद को पढ़ने के प्रभाव को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और छंद को पढ़ने के प्रभाव को गति कहते हैं, और छंद को के चरणों को लिखते समय हम विराम चिन्ह का जो प्रयोग कहते हैं उसे हम यति कहते हैं, मतलब रुक जाओ, रुक जाने को यति, और छंद को पढ़ने के प्रभाव को क्या कहते हैं, गति। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पढ़ने से ही क्लियर हो जाता है, जब छंद को हम पढ़ते जाते हैं तो गति होती है, रुक जाते हैं विराम का प्रयोग कर देते तो यति हो जाता है, ठीक है। अब देखिए छंद में गणों की संख्या कितनी होती है, आस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, छंद में गणों की संख्या कितनी होती है, आठ होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन छंदों में चारों चरण समान होते हैं उसे किसे क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद। जिन छंदों में चारों चरण समान होते हैं, ध्यान रखिएगा एकदम ध्यान से सुनिए, एयरफोन लगा के सुनिए, वीडियो को दोबारा देखिए, लेकिन लिखने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि आपके पास टाइम कम है, लिखेंगे तो लिखा का लिखा रह जाएगा। ध्यान से सुनिए, मन से सुनिए, आँख बंद करके सुनिए, एकदम मन में बैठा लीजिए, समझने की कोशिश करिए। जैसे इसमें मैं बोल रहा हूँ सम, देखिए जिन छंदों में चारों चरण समान होते हैं तो सममात्रिक छंद, तो इसमें पढ़ना कहाँ है, याद तो हो ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सममात्रिक छंद के प्रमुख उदाहरण कौन है, चौपाई। सममात्रिक छंद के प्रमुख उदाहरण चौपाई, दोहे का उल्टा छंद माना जाता है सोरठा, दोहे का उल्टा छंद किसे माना जाता है, सोरठा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहले व तीसरे चरण में 13-13
और दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं किसमें होती हैं, तो दोहे में होती हैं, पहले व तीसरे चरण में 13-13, दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद 3 प्रकार के होते हैं, मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धमात्रिक छंद का उदाहरण, दोहा अर्धमात्रिक छंद का उदाहरण है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन छंदों में वर्णों व मात्राओं का प्रतिबंध ना हो, वर्णों व मात्राओं का प्रतिबंध ना हो, आसानी से कह सकते हैं मुक्त छंद, मतलब प्रतिबंध नहीं है, मुक्त छंद, इसमें पढ़ना नहीं है आपको, याद हो चुका है आपको, प्रतिबंध नहीं है यानी कि मुक्त है, फ्री है, ठीक है। जिन छंदों में वर्णों व मात्राओं का प्रतिबंध ना हो, मुक्त छंद। तो ये थे छंद से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कभी कभी आपको कुछ दोहे दे देते हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन, इसमें आपसे पूछ लेता है कि ये कौन सा है, ऑप्शन देगा दोहा सवैया चौपाई चाकली, तो आपको पढ़ने से ही पता चल जाता है दोहा है, तो ऑप्शन दोहा लगा देंगे। और भी ऐसे दे देता है जैसे निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे हिय को सूल, तो ये भी ऑप्शन दे देगा सोठा दोहा रोला, तो ये भी कहेंगे दोहा है। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको भी मैंने बता दिया। तो छंद से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, अच्छे से एक बार वीडियो और देख लीजिए, आपके मन में बैठ जाएगा, जाइए एग्जाम दीजिए, गारंटी मैं लेता हूं छंद अलंकार रस से आपके एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आपको जो मैंने हिंदी भाषा के मुख्य तत्व का जो चैप्टर पढ़ा उसको भी अच्छे से पढ़िए। देखिए अभी और भी चीजें मैं लाने वाला हूं, टॉप के विलोम शब्द मैंने बता दिए, पर्यायवाची बता दिए, तत्सम तद्भव तक बता दिया, अभी वर्णमाला का एक चैप्टर बचा जो इंपॉर्टेंट, जहां से एक दो क्वेश्चन बनते रहते हैं, उसको भी मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकते हैं उसको मैं बता दूंगा। देखते रहिए, बस बने रहिए मेरे साथ, यानी कि एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के साथ, यानी कि मैं सुधीर के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।